दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर सेक्टर की दो कंपनियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर के अंदर काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग सेशन आज आपको देखने को मिली है और जैसा कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि टाटा पावर के अंदर अगर आप फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि टाटा पावर ने क्वार्टर फोर के रिजल्ट में जो ₹1.55 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जिसकी एक्स डेट 17 जून 2021 थी, यानी कि आज 16 जून 2021 तक अगर आपने टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया है, पोजीशंस बना ली हैं, तो आप डेफिनेटली यहां पर डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं टाटा पावर के अंदर आप आगे की आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो टाटा पावर की आज की अगर ट्रेडिंग की बात करें तो टाटा पावर का शेयर आज ₹122 पर ओपन हुआ, ₹127.90 का इसने हाई बनाया और ₹120.15 का इसने लो बनाया। फर्स्ट सेशन में हमें कुछ अच्छी खरीदारी इसके अंदर देखने को नहीं मिली, लेकिन सेकेंड सेशन में मार्केट क्लोज होने तक काफ़ी अच्छे मूवमेंट हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिले, जिसके बाद इसकी शेयर प्राइस ₹122 से बढ़कर ₹125 पर इसने क्लोजिंग दी है। इन्हीं सब के बीच में अगर टाटा पावर की वॉल्यूम बेस्ड काम को भी अगर एनालिसिस करें तो आज NSE के अंदर टाटा पावर की 3 बजे तक 7.07 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 1.56 करोड़ क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है और डिलरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज लगभग 22% का हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारे टैक्सपेयर के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड अनाउंस किया गया है वो डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर कब तक क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर टाटा पावर की जो डिविडेंड टाटा पावर ने क्वार्टर फोर में डिक्लेयर किया था ₹1.55 का, जिसकी एक्स डेट 17 जून 2021 है, यानी कि एक्स डेट के बाद में आपके बैंक अकाउंट में विद इन अ 1 मंथ आपके डिविडेंड क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप अपने बैंक अकाउंट को एक बार यहाँ पर चेक करते रहिएगा, अपने नंबर ऑफ शेयर से यहाँ पर ₹1.55 की प्राइस से कैलकुलेट करते हुए उतने अमाउंट का डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट के अंदर विद इन अ 1 मंथ क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए आज एक और हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है GE Power India Limited। जी हाँ दोस्तों, GE Power India Limited को लेकर भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कल ही की वो अपडेट है, उसके बाद में आज आपको इस शेयर के अंदर लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली है। पिछले कुछ टाइम से GE Power के अंदर आपको किसी प्रकार का मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान अगर आप इसके हाई को भी देखेंगे तो कंपनी ने ₹340 का हाई भी बनाया है, यानी कि लगभग 5 से 6% की तेजी आज आपको इसके ट्रेडिंग सेशन के दौरान देखने को भी मिली है। आइए इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बता देता हूं। साथ ही साथ टाटा पावर और GE पावर के बीच में क्या कनेक्शंस यहां पर निकल कर आ रहा है उसे भी जान लेते हैं। उसके पहले अगर GE पावर के वॉल्यूम बेस काम की तरफ आप नजर मारेंगे तो GE पावर की NSE के अंदर आज ही के दिन 7,77,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने लगभग 29.5% काम डिलीवरेबल बेस पर हमें देखने को मिल रहा है। जी पावर की मैं आपको वो सबसे बड़ी न्यूज़ शेयर करूं, उसके पहले मैं आपको एक चीज़ यहां पर बता देना चाहता हूं कि कंपनी ने अभी तक अपने क्वार्टर फोर के नंबर्स यहां पर डिक्लेयर नहीं करे हैं। जी हां दोस्तों, कंपनी यानी कि जी पावर अपने क्वार्टर फोर के नंबर 22 जून 2021 को डिक्लेयर करने वाली है, जिसमें कंपनी रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड को लेकर भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती है। कंपनी ने 2020 में भी ₹2 पर शेयर का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए अनाउंस किया था, तो अब यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही है। साथ ही साथ कंपनी की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही है, जिसके चलते हुए कंपनी यहाँ पर डिविडेंड को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट डिक्लेयर कर सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल रिजल्ट की डिटेल्स को ओपन करें तो इसमें फाइनेंशियल रिजल्ट और साथ ही साथ डिविडेंड का भी जिक्र किया गया है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर डिविडेंड से जुड़ी भी कोई खबर देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं जी पावर को लेकर यहाँ पर आज आपको जो 5 से 6% की रैली देखने को मिली उसके पीछे की वजह क्या है। जी पावर विंस 3 ऑर्डर वर्थ ₹125 करोड़ टू अपग्रेड वेदांता, टाटा पावर और JSW प्लांट्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जी पावर को 3 बड़े ऑर्डर यहाँ पर मिल चुके हैं, जिसकी अगर वर्थ की बात करी जाए तो उनकी वर्थ ₹125 करोड़ के करीबन की यहाँ से निकल कर आ रही है। और ये जो ऑर्डर मिला है जी पावर को वो वेदांता, टाटा पावर और JSW प्लांट के जो यहां पर प्लांट से उन्हें अपग्रेड करने के लिए उनकी में जो बॉयलर फिक्स्ड होता है उस बॉयलर को अपग्रेड करने के लिए यहां पर
इन्हें इतना बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला है। डेफिनेटली ये टाटा पावर भी यहाँ पर अपने सिस्टम्स को यानी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को अपग्रेड कर रही है, JSW भी अपने यूनिट्स को अपग्रेड कर रही है, जिससे आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखने को मिल सकती है, जिसको देखते हुए यहाँ पर टाटा पावर, JSW और वेदांता को लेकर फ्यूचर काफ़ी बुलिश है। और अब हमें यहाँ पर जी पावर के भी कुछ बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इन्हीं सबके बीच में टाटा पावर के CEO और MD प्रवीण सिन्हा की तरफ से भी आज एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है। जी हाँ दोस्तों, टाटा पावर के CEO और MD की तरफ से यहाँ पर एक इंटरव्यू में उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। उनके फ्यूचर बिजनेस एक्सपांशन को लेकर भी यहाँ पर कुछ अपडेट्स निकल कर आई है। साथ ही साथ टाटा पावर ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को इस साल 7,000 करोड़ रुपये पर यहाँ पर कंटिन्यू रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पर टाटा पावर के CEO और MD यानी कि प्रवीण सिन्हा से किया गया कि आपको अप्रैल और मई के बाद जो यहाँ पर पावर सेक्टर के अंदर डिमांड देखने को मिल रही है, क्या आप उसे पूरी तरीके से फुलफिल कर पाएंगे और यहाँ पर आपको क्या एक्सपेक्टेशन से लग रही है अब आगे पावर सेक्टर की डिमांड को लेकर। तो यहाँ पर उनकी तरफ से जो आंसर्स निकल कर आया है वो मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। द डिमांड इन द पावर सेक्टर वी आर सीइंग हैज इंप्रूव्ड अ लॉट इन द लास्ट वन मंथ विच सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इन अप्रैल एंड मे स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मे। इट इज एक्सपेक्टेड दैट एज द इंडस्ट्रीज विल रिटर्न टू देयर फुल कैपेसिटी एंड द कमर्शियल एंड अदर एक्टिविटीज इफ द शॉप्स ओपन अप देन द डिमांड शुड बी इंक्रीज। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अब आपको पूरी तरीके से अनलॉकिंग देखने को मिल रही है, जिससे टाटा पावर की जो पावर सेक्टर की डिमांड है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अब एक्सपांड हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि पावर सेक्टर के अंदर जो डिमांड है वो जून और जुलाई तक पीक पर आते हुए आपको देखने को मिलने वाली है, जिसे इट हैज़ बीन सीन दैट दिस ईयर ऑलरेडी अवर पीक वेंट अप टू 180 गीगावाट एंड इट वॉज द पीक ऑफ 2 years बैक। द वे द डिमांड इज इंक्रीजिंग इट शो गो बियॉन्ड 200 गीगावाट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फुल डिमांड विल कम होपफुली बाय अगस्त। यानी कि अब आपको पावर सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस जो लगाई जा रही है जून जुलाई और अगस्त के मंथ से वो काफ़ी यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल रही है। साथ ही साथ प्रवीण सिन्हा से जो अगला क्वेश्चन किया गया वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के चार्जर्स को यहाँ पर लेकर किया गया, जो यहाँ पर टाटा पावर चार्जिंग स्टेशन एस्टेब्लिश कर रही है उसको लेकर, और इन्हीं के बीच में उनके डेप्ट को लेकर भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए गए, जिसके बाद उनकी तरफ से जो आंसर्स आया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज फार एज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इज कंसर्न, टूडे वी हैव रीच्ड 100 cities। इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर्स हैव ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन अ फ्यू प्लेसेज ऑन द हाईवेज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन को लेकर भी टाटा पावर बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम कर रहा है। लगभग 100 cities के अंदर उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश करने का मन बनाया है। साथ ही साथ विच वॉज अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ एवरीवन, कोविड का पीरियड सभी के लिए यहाँ पर डिफिकल्ट रहा है। अभी तक टाटा पावर लगभग 550 places पर लगभग 2500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जर्स यहाँ पर फिक्स कर चुके हैं। अगर डेब्ट की भी बात करी जाए तो डेट भी टाटा पावर कंटिन्यूसली अपने रिड्यूस कर रही है। लास्ट ईयर कंपनी के ऊपर 43,000 करोड़ रुपए के डेब्ट थे, जो कि इस बार घटकर सिर्फ 36,000 करोड़ रुपए के रह गए हैं। तो कंटिन्यूसली कंपनी अपने डेब्ट को भी रिड्यूस कर रही है और अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को और ज़्यादा एस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी 7,000 करोड़ रुपए यहाँ पर एक्सपेंशन किए हैं। इन्हीं सब के बीच में अगर आप जी पावर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जी पावर का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,139 करोड़ रुपए का है, यानी कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकती है। अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो जी पावर ने रिसेंटली यहाँ पर 32 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट Q3 के रिजल्ट में डिक्लेयर किया है। इन्हीं के बीच में एक चीज पर आपको यहां पर फोकस करना होगा कि कंपनी अपनी बोरोइंग्स को भी यहां पर इंक्रीज कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सितंबर 2020 में कंपनी ने 347 करोड़ रुपए की टोटल बोरोइंग्स यहां पर डिक्लेयर करी है, यानी कि डेप्ट। और साथ ही साथ रिजर्व की बात करी जाए तो रिजर्व भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। 858 करोड़ रुपए के डेप्ट यहां पर कंपनी ने डिक्लेयर करे हैं। और कैश फ्लो की बात करी जाए तो कंपनी का नेट कैश फ्लो भी काफ़ी पॉजिटिव है, यानी कि ओवरऑल चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप जी पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 22 जून तक का इंतज़ार कर सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स कैसे रहते हैं उसके बाद आप अब इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का मन बना सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। टाटा पावर को लेकर जो अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है उनके एमडी की तरफ से, वो भी मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दी है। और इसी के बीच में यहाँ पर जी पावर को जो यहाँ पर 125 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है वो अपडेट भी मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। यानी कि इन दोनों शेयर्स के अंदर रैली की पीछे की वजह मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।